ये पूरी कपिल फैमिली पिक्चर्स, उसकी बेबी है, उनकी कपूर है, उनकी बेटी खुशी भी साथ में मौजूद है, ये तस्वीरें उनकी आखिरी तस्वीरें साबित हुई है। और श्रीदेवी जो कि एक्सप्रेशन की विदास बादशाह, उनकी आंखें बोलती थी, शब्दों से ज्यादा उनके एक्सप्रेशन बोलते थे। और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि अगर हम खासकर श्रीदेवी की बात कर रही है, उन्होंने देश को रुलाया, हंसाया, परेशान किया, अपने एक्सप्रेशन से उन्होंने लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष लगातार बनी हुई है, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष को लगातार चर्चा कर रही है। और अगर हम श्रीदेवी की बात करते हैं तो पहली महिला सुपरस्टार थी वो, और उनका स्टारडम इतने सालों में भी कभी कम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, कभी भी उनका स्टारडम कम नहीं हुआ। 4 साल की उम्र से जो एक्टिंग शुरू की वो के आखिरी सांसों तक चलती रही। कहा जाए कि उनकी आखिरी फिल्म भी जो है वो हिट साबित हुई थी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से बॉलीवुड में उनका दबदबा था, एक तरह से कहा जाए कि रेखा के बाद लोग जानते थे कि वो एक आला दर्जे की कलाकार है, जिनकी बराबरी करना नामुमकिन होने के बराबर है, क्योंकि नए कलाकार हमेशा उन्हें अपने आइडियल मान के रखते थे और उस माइलस्टोन के आसपास भी अगर पहुंच पाए तो बहुत बड़ी अपनी काबिलियत समझते थे। ऐसे में अकस्मात तौर पर उनकी हुई जो ये मौत है, उसके चलते बॉलीवुड को न केवल झटका लगा है बल्कि कई फैंस को भी झटका लगा हुआ है। यहाँ पर देखें तो साफ तौर पर देखें सोसाइटी के अंदर आने जाने वाले लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। साफ तौर पर अंदर जो बिल्डिंग की इमारत के लोग हैं वो शोक में शामिल हुए हैं। जाह्नवी कपूर जो श्रीदेवी की बेटी है उनके पास पहुंच गए हैं और उसकी बाहर जो हावड़ा कथा हो रहा है उसके मद्देनजर ही ये तैयारियां की गई है। गेट पर जो है वो लॉक मार दिया गया है, उसका पर कहा गया है बाहर की भी यहाँ पर पहुंची भी है। उनका अनुभव था उसके चलते कहीं ना कहीं लोग जो है वो बिल्कुल आशीष लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल है क्योंकि किसी अभिनेत्री का असम में चले जाना वाकई अपने आप की बात है। और मुझे कभी कुछ मना कि राजनीति के पीछे आप दौड़ रहे हैं, सामाजिकता के पीछे दौड़ रहे हैं। 10 करोड़ तक अपने लोगों ने किया रोना क्या किया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको दुखी करने वालों से दूर हो जाते हैं।